अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आज हम अपने लेसन्स का, इस्लामी क्रैश कोर्स के लेसन्स का 15वां चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह, 15th चैप्टर। इससे पहले के चैप्टर को मैंने गलती से 15 नंबर बोल दिया था, 15 चैप्टर है बोल के, मगर वो 14 नंबर था, 14 चैप्टर था इससे पहले का, और ये 15वां चैप्टर है। और अभी हमारी जो गुफ्तगु जो चल रही थी इतने से 14 चैप्टर में, बहुत ज़्यादा तफसील के साथ गुफ्तगु, मंतखी और लॉजिकल चल रही थी, तो उसकी वजह ये थी कि वो टॉपिक वैसे थे अल्लाह के वजूद को साबित करने के लिए, साइंसी तरीके से, लॉजिकल तरीके से साबित करने के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं लॉजिकली और इतनी बहस करूँ। अब इंशाल्लाह जो है मैं ज़्यादा फास्ट तरीके से अपने चैप्टर करूँगा, क्योंकि तो अभी अपने दर्स बहुत बाकी है। क्यों तो ये जो किताब मैंने इस्लाम के तालीम की मुसलमान नौजवानों के लिए, ख़ासतौर से आजकल के ज़माने के जदीद दौर के मॉडर्न नौजवानों के लिए, इस्लामी इस्लाम के मैंने जो किताब लिखी थी दुबई में, वो तकरीबन 200 पेज की है ये किताब। तो असल में ये 200 पेज की है, और इसमें से सिर्फ अभी देखो 30 पेज हुए सिर्फ हमारी जो एक्सप्लेनेशन के, बाकी कितने पेज बाकी है। तो इतने पेज के वास्ते अगर मैं ऐसे करूँ तो ज़्यादा दर्स हो जाएंगे, चैप्टर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने ये तरीका भी ये निकाला है कि मैं इसमें से पढ़ता जाऊँगा। पहले ये करता था मैं कि किताब में के दर्स को पॉइंट लिख के एक्सप्लेनेशन करता था, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया मैंने, साइंसी किया, लॉजिकल किया, खुसूसन इसलिए किया अल्लाह का वजूद साबित करने के लिए कि जब तक अल्लाह के वजूद का यकीन दिल में ना हो तो इस्लामी स्टडी, कुरान की स्टडी, हदीस की स्टडी करने का कोई मतलब नहीं होता है, किसी भी मजहब का नहीं होता है। अगर आपके दिल में अल्लाह का वजूद के बारे में शकूक है, शुबहात है, तो वो फिर अपने खुश दिली से इस मजहब की स्टडी नहीं कर सकता। इसलिए वो साबित करने के लिए, और आज के दौर में, जदीद दौर में, मॉडर्न साइंसी दौर में लोगों के, नौजवानों के दिलों में अल्लाह के ताल्लुक से शकूक शुबहात पैदा हो चुके हैं। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, पहले ज़माने में अल्लाह का वजूद का इनकार कोई नहीं करता था, हर एक काफिर, मुस्लिम, मुशरिक सब मानते थे कि अल्लाह है, कायनात में है, और उसके आगे फिर वो स्टडी करते थे दीन की, उनके मालूम अपने अपने मजहबों की करते थे। पर आजकल के जदीद दौर में कुफ्र और इलाहाद, जिसको जो बोलते एथेइज्म, बहुत ज़्यादा फैल गया है मुसलमानों में भी, अरबों में भी, और मुसलमानों के हर कौम में भी, अरबों में भी, तुर्कों में भी, सब में भी फैल गया। तो इसलिए ये मुस्लिम नौजवानों के दिल में से कुफ्र और एथेइज्म निकालने के लिए मैंने ये 14 चैप्टर में अच्छा खासा एक्सप्लेन किया और लॉजिक से साबित किया। जो मैथमेटिक के अंदर जो एक क्वांटिटी है जिसको इन्फिनिटी बोलते, मैथमेटिक के अंदर है, फिजिक्स में है और साइंस में मानी जाती है, इन्फिनिटी एक ऐसी चीज़ है जो लामहदूद होती है, जिसका कोई हद नहीं, और लॉजिकली इन्फिनिटी एक ही पॉसिबल है, दो इन्फिनिटी नहीं रहती, ये भी साबित किया था। इसलिए हमारा जो कायनात बनाने वाला है, जिसने पूरी कायनात बनाई है, कायनात की वसत के बारे में बताया, रोशनी, ग्रेविटी और हर चीज़, एनर्जीज़ के बारे में मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया, और ये जो कायनात के अंदर जो बड़े बड़े गैलेक्सीज हैं, सितारे हैं, सूरज से भी हजारों गुना बड़े हैं, हमारा सूरज ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है, वॉल्यूम के अंदर हमारे ज़मीन से 13 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है, और सूरज से भी हजारों गुना बड़े सितारे हैं। तो उन सितारों के सामने हमारी ज़मीन तो धूल है, धूल का एक जर्रा है। मैंने इसलिए बताया ये सारे कि ये सब कायनात की जो वसत है, जो आजकल की जदीद साइंस से पता चला, जदीद कॉस्मोलॉजी से आज के ज़माने में पता चला, पहले नहीं मालूम था। आजकल जदीद इक्विपमेंट, आलात, दूरबीनें और इससे डिटेक्ट किया करके ये आजकल के कॉस्मोलॉजिस्ट ने, साइंसदानों ने, फिजिक्सियन ने ये सब मालूम किया हुआ है। तो इसके बाद जो साइंटिस्ट है, जो मॉडर्न साइंटिस्ट है यूरोप और अमरीका के, वो इस बात के खायल है कि इसका बनाने वाला कोई है, कोई ना कोई है। साइंस जो मॉडर्न साइंस है वो इस बात का डिनाई नहीं कर सकती कि इसका बनाने वाला कोई है क्या नहीं है, इसका डिनाई नहीं कर सकती साइंस। साइंस ये नहीं बोल सकती कि कायनात का बनाने वाला कोई नहीं है, लॉजिक है साइंस के अंदर, जो लॉजिक है वो ये बात का डिनाई नहीं करती कि कायनात का बनाने वाला कोई है, इसका डिनाई नहीं करती। इसलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट है, जो अच्छे अकलमंद साइंटिस्ट है, तो वो ये मानते हैं कि इसका बनाने वाला है। इसके बाद में आपको बताया कि मैंने यूरोप के अंदर कई थेरियां पेश हुई, कायनात कैसे बनी, क्या बनी, बहुत सारी थेरियां पेश हुई, और मजहबी थेरियां भी बहुत पेश हुई बाद में, 1780 के बाद, 1810 में, 1820 के बाद, और उनके अंदर यूरोप में मजहबी इनकलाब भी आया, उन्होंने मजहब के अंदर बहुत सारा सोचा, पैनथेइज्म है, पैनएंथेइज्म है, डेइज्म है, थियोसोफी है, ये ऐसे थेरियां बहुत निकली जो ये मानते थे कि कोई है बनाने वाला। अच्छा, दूसरी बात ये, हम इस नतीजे पे पहुंचे, हमने सब कायनात के अंदर इवोल्यूशन के अंदर देखा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के थ्रू भी हमने देखा कि किस तरह